सबसे पहले ऐप ओपन कर लेते हैं, कोटक चेरी ऐप। अब इस ऐप में दो तरह से लॉगिन हो सकते हैं, या तो अपनी जीमेल आईडी से, या फिर एक नॉर्मल एक ईमेल आईडी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें हम इसमें क्रिएट करके देखते हैं, गूगल से तो सब लोग साइन अप कर ही सकते हैं, हम इसमें क्रिएट करते हैं। जो हमारी ऑलरेडी गूगल पे ईमेल आईडी बनी हुई है, हमने वो आईडी क्रिएट की है इस पे। अब ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, सिक्स जीरो नाइन सिक्स फाइव थ्री ओटीपी हमारा। फोन नंबर एंटर करेंगे, अब फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, 312407। अब हमें एक पैन कार्ड चाहिए होगा इस पे, इसके लिए और एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ेगा हमें। पैन नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, हमारी जो जो हमारी केआरए होती है और वो ऑलरेडी इस पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अकाउंट बने हुए हैं इस ईमेल आईडी से, इस फोन नंबर से, इस पैन नंबर से, और स्टॉक मार्केट अकाउंट भी खुले हुए हैं, तो इसमें केआरए हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए हमें अब ये पूछ रहा है अपडेट करना है नहीं करना, हम इसको नो कर देते हैं, हम इसको अपडेट नहीं करना, जो डिटेल्स हैं वो ठीक है। मदर्स नेम पूछ रहा है वो डाल देते हैं, एजुकेशन डाल देते हैं, नॉमिनी ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं तो ठीक रहता है, आगे के लिए दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे एक सिग्नेचर करने होंगे हमें, एक जनरल एक फॉर्मेलिटी है, जैसा भी हो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर कर दिया अब हमने, अब क्वेश्चन जनरल डिटेल्स पूछ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस कर देते हैं इसे, ऑक्यूपेशन बिजनेस कर देते हैं, एनुअल इनकम रेंज इसको 2 to 5 lakhs कर देते हैं, नेक्स्ट। पासवर्ड बनाना है हमें, इसको नॉट नाउ कर देते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी है हमें इसमें, ये मैंडेटरी है। अब ये ध्यान रखना होगा हमें कि जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल हम एंटर कर रहे हो, वो बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, बंद या इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट का नंबर डाल देते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट किया तो लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑल सेट टू इन्वेस्ट। अभी अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस तरह से है इस ऐप का इंटरफेस, आप देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इस ऐप के बारे में डिटेल्स से इसके फीचर समझाऊंगा। अगर इस वीडियो में अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ समझना बाकी रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।